दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिना एटीएम कार्ड के एसबीआई का अकाउंट में यूपीआई पिन कैसे बनाएं। अगर दोस्तों आपका पास भी एसबीआई का अकाउंट है और दोस्तों आपका पास एसबीआई का दोस्तों एटीएम कार्ड नहीं है, आप चाहते कि दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन दोस्तों बना के चालू करना, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं कि एसबीआई का अकाउंट को बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन दोस्तों कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चले या समय वीडियो को शुरू कर लेते, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मन पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में होगा तो 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले शुरू कर लेते। देखिए दोस्तों, आपको एसबीआई का अकाउंट को बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों यूपीआई पिन बनाने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले करना के दोस्तों अपना मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पर टैप करके दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना। ठीक है, आपको दोस्तों न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी दोस्तों आप एसबीआई का अकाउंट में दोस्तों आप बिना एटीएम कार्ड के आप यूपीआई पिन बना पाओगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपने ऑलरेडी फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है तो दोस्तों आपको सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को डिलीट कर देना, और उसके बाद दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दोस्तों मैंने दे दिया है वहां पे दोस्तों आपको क्लिक करके फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना के अपना मोबाइल पे दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा अगर आप फोन पे एप्लीकेशन का होल्ड यूजर है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कि हम बिना एटीएम कार्ड के एसबीआई का अकाउंट में यूपीआई पिन दोस्तों हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको करना के फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपको पूरा पास्ट में आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों रिसीव मनी, और दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको करना के पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जो कि दोस्तों बैंक अकाउंट पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हो, आपने दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करके रखा होगा वो दोस्तों सारा का सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको एसबीआई का अकाउंट को दोस्तों आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोस्तों एसबीआई का अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको निश्चित तरह देख सकते हो ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपका जो एसबीआई का अकाउंट को दोस्तों आपको ऐड कर लेना। ठीक है, अगर आपका मोबाइल पे एसबीआई का अकाउंट दोस्तों यहाँ पे शो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तो दोस्तों आपको करना के सर्च बाय बैंक नेम पे आपको क्लिक करके आपका जो एसबीआई का अकाउंट को आपको सर्च कर लेना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा वहां पे आपको क्लिक करके आपका जो एसबीआई का अकाउंट को ऐड कर लेना। ठीक है, तो चले मेरा मोबाइल पे एसबीआई का अकाउंट दोस्तों पूरा पास्ट में शो हो रहा है। ठीक है, तो चले यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद आपका जो एसबीआई का अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा जो एसबीआई का अकाउंट दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर एडेड सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, आपको भी दोस्तों इसी तरह ऐड करने के बाद आपको करने के दोस्तों यहाँ पे आपको बैक बटन पे आपको प्रेस कर देना, और उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट ऑप्शन पे दोस्तों आपका जो एसबीआई का अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको यूपीआई पिन बनाने के लिए आपका बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको करना है कि आपको बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों आपको यूपीआई पिन बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई पिन। ठीक है, और दोस्तों उसका सीधा रिसेट और दोस्तों सेंस। ठीक है, आपको करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको रिसेट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आपका मोबाइल पे सेट पिन करके ऑप्शन मिलेगा तो दोस्तों आपको सेट पिन पे आपको क्लिक कर देना। तो चले दोस्तों मैं रिसेट पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आधार नंबर लिंकेड विद बैंक और दोस्तों डीबीटी एटीएम कार्ड। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास तो एसबीआई का एटीएम कार्ड नहीं है ना, हम दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के हम यूपीआई पिन बनाएंगे, इसीलिए दोस्तों आपको करना के इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जो कि दोस्तों आधार नंबर लिंकेड विद बैंक वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसा ही दोस्तों आप रिसेट पे क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन दोस्तों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, आपको दोस्तों डायरेक्टली प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, फाइनली दोस्तों एसबीआई का अकाउंट में दोस्तों आधार कार्ड का ऑप्शन दोस्तों आ चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका पास भी एसबीआई का एटीएम कार्ड नहीं है, आप दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के भी आप यूपीआई पिन बना पाओगे। ठीक है, मतलब दोस्तों आप आधार कार्ड का मदद से। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आपको करने के इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको रहने देना है, आपको दोस्तों डायरेक्टली प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपको जो आधार कार्ड का नंबर दोस्तों आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो वेरीफाई आधार नंबर इंटर द पास्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड पे 12 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों, आपको ओनली पास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, ओनली पास्ट 6 डिजिट का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड का
लास्ट 6 डिजिट का नंबर दोस्तों मैं डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने आधार कार्ड का 5 डिजिट का नंबर दोस्तों मैंने डाल दिया। आपको भी दोस्तों आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाले मोबाइल नंबर पे दोस्तों आपको एक ओटीपी आएगा। और दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाले मोबाइल नंबर पे भी आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। आपको दोस्तों दोनों ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने बैंक ओटीपी और दोस्तों आधार ओटीपी मैंने डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों दोनों ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो मेरे को दोस्तों बोला जा रहा है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आपको भी दोस्तों इसी तरह न्यू यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या, आपको दोस्तों 6 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों आपको क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों 6 डिजिट का नंबर दोस्तों आपको कोई सा भी नंबर आपको डालना पड़ेगा। आप जो भी दोस्तों यहाँ पे आप नंबर डालोगे उसको दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। ये नंबर दोस्तों आप अगर किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे या खुद का बैंक बैलेंस चेक करोगे ना दोस्तों उसी समय दोस्तों आपको डालना पड़ता है, ठीक है। जो कि दोस्तों हम यूपीआई पिन का नाम से हम जाना जाता है, ठीक है। आप जो भी दोस्तों आप 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट करोगे उसको दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं 6 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने 6 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों मैंने क्रिएट किया। आपको भी दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट करने के बाद राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा कॉन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। आपने जो दोस्तों 6 डिजिट का यूपीआई पिन डाला था ना उसको दोस्तों आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं दोबारा डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने कॉन्फर्म किया, ठीक है। मतलब दोस्तों मैंने दोबारा डाल दिया। आपको भी दोस्तों कॉन्फर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे, आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो यूपीआई पिन दोस्तों सक्सेसफुली सेट हो गया, ठीक है। आप भी दोस्तों इसी तरह बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों एसबीआई का अकाउंट में दोस्तों आप यूपीआई पिन बना पाओगे, ठीक है। आपको भी दोस्तों इसी तरह यूपीआई पिन बनाने के बाद दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे दोस्तों आपको बैक बटन पे आपको प्रेस कर देना और उसके बाद दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन का होम ऑप्शन पे आपको चले आना, ठीक है। अभी दोस्तों इन सारे ऑप्शन को आप प्रॉपर तरीके से आप यूज कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप अगर किसी का भी फोन पे का मोबाइल नंबर डाल के आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। आप अगर किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर नहीं तो दोस्तों आप यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते तो दोस्तों आप सेकंड नंबर ऑप्शन को आप यूज कर पाओगे। मान लो कि दोस्तों आपने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर दो बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, ठीक है। आप चाहते कि दोस्तों एक बैंक अकाउंट से दूसरे वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर पाओगे। और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट वाला ऑप्शन तो दोस्तों सबको पता ही होगा, यहां पे आप क्लिक करके खुद का बैंक बैलेंस आप चेक कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपका सामने मैं चेक बैलेंस पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों मैंने बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन दोस्तों बना के मैं आपको दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों अभी आपका सामने इसी वाली बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं सच में हमारा यूपीआई पिन सेट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने बाद दोस्तों मैंने जो 6 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों मैंने क्रिएट किया ना वो यूपीआई पिन दोस्तों यहां पे मैं डाल देता हूं, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे, आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो दोस्तों मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर सिर्फ दोस्तों 2 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब एक ही दोस्तों मैंने बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों एसबीआई का अकाउंट को यूपीआई पिन दोस्तों बना के बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर दोस्तों आपका पास भी एसबीआई का बैंक अकाउंट है और दोस्तों उसी बैंक अकाउंट का आपका पास दोस्तों एटीएम कार्ड नहीं है, आप दोस्तों इसी तरह बिना एटीएम कार्ड के भी आप यूपीआई पिन क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप अगर फोन पे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते यहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मोबाइल रिचार्ज, डिटेल्स रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, ठीक है। और भी दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। आप इसी तरफ दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के भी आप एसबीआई का अकाउंट को दोस्तों आप यूज कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में होगा तो 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।